हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुलदीप मौर्य। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर वन। इसके पहले हमने मोल कॉन्सेप्ट के चार लेक्चर लिए थे, उसमें से हमने हर एक लेक्चर में एटलीस्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली सभी टॉपिक कवर हो गए थे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स की डिमांड थी, हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम अगला टॉपिक स्टार्ट किया। अब इसके ये टारगेट हमारा कि इसके एटलीस्ट हम करेंगे 60 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से जेई मेंस के भी होंगे, जे एडवांस के भी होंगे, नीट के भी क्वेश्चंस होंगे। तो और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अभी आज पहला लेक्चर रिकॉर्ड होगा, इसके बाद कंटिन्यूसली लेक्चर 1, 2, 3 कोशिश करेंगे कि 4 से 5 लेक्चर में इसको फिनिश कर दें कंप्लीट डिटेल में। तो आज उसी का लेक्चर नंबर 1 है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आने के कुल में क्या करेंगे, हम लोग पढ़ते हैं एसिड बेस थ्योरी बन जाते हैं थोड़ा सा कि एसिड एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। और सबसे इसमें क्या है कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे अरिनियस, इन्होंने सबसे पहले दिया था कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस थ्योरीज, एसिड बेस थ्योरीज। इसमें से काफ़ी हद तक आपको आइडिया होगा कि एसिड बेस थ्योरीज क्या होती है। इसमें 3 थ्योरी होती है, एक होती है अरिनियस थ्योरी, फिर होती है ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी, फिर होती है लुइस थ्योरी। तो सबके बारे में आपको रफली आइडिया है, बट यहाँ पे एक बार दे रहे हैं और यू, अगर कोई स्टार्टिंग्स पढ़ रहा हो इसके पहले, किसी को अगर कुछ भी ना पता हो तब भी वो समझ जाएगा। तो एसिड बेस थ्योरीज में 3 थ्योरी है। तो सबसे पहला आता है उसमें आरहीनियस थ्योरी, आरहीनियस थ्योरी, आरहीनियस थ्योरी हो गया। सेकेंड है ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी। और थर्ड थ्योरी है लुइस थ्योरी। तो सबसे पहले आर्डिनियस ने दिया था, ये सबसे पुरानी थ्योरी है, उसके बाद ब्रॉन्स्टेड लाउरी, फिर लुइस। देखो आर्डिनियस ने क्या कहा था कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं, एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच गिव एच प्लस आयन इन एक्वा सोल्यूशन। एग्जाम्पल के लिए अगर अगर हम बात करें एसिड का, तो जैसे एसिड हमने सपोज HCl लिया, तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो होंगे जिनको अगर आप पानी में डिजोल्व करो या पानी में डालो तो आपको H प्लस आयन देगा। तो HCl है, अगर इसको आप एक्वा सोल्यूशन में डालते हो तो ये क्या देगा आपका H प्लस, और प्लस देगा Cl माइनस। तो ध्यान से देखो यहाँ पे H प्लस मिला। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर आप वाटर में डालते हो कोई भी सब्सटेंस, अगर आपको H प्लस मिले तो वो आपका आर्हेनियस थ्योरी के अंदर आएगा, और अगर H प्लस देगा तो एसिड होगा। अगर वो सब्सटेंस OH माइनस देता है तो वो बेस कहलाएगा। जैसे अगर NaOH है, इसको आपने अगर पानी में डाल दिया, अगर ये OH माइनस आयन दे, यहाँ से क्या ये होगा, देखो ब्रेक होगा आयन्स में Na प्लस और OH माइनस। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये एक बेस होगा क्योंकि OH माइनस आयन दिया, और एसिड वो होगा जो H प्लस दिया। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट और काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो जब पानी में H प्लस जाएगा, सपोज ये आपका H2O है, और अगर H प्लस पानी के अंदर है तो पानी के अंदर H प्लस एज इट इज नहीं रहता है। ये आपका देखो H प्लस क्या करता है, ये H2O से कंबाइन करके बना लेता है ये H3O प्लस। ठीक है, H3O प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो जनरली क्या होता है कि आपको H प्लस को हम H3O प्लस के फॉर्म में भी लिख लेते हैं, हालांकि ये फर्दर देखो H प्लस कई फॉर्म में मिलता है। एक तो वाटर में H प्लस भी हो सकता है, H3O प्लस भी हो सकता है। अब ये H3O प्लस फर्दर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करके ये बना सकता है आपका, देखो H प्लस H2O से मिला तो क्या बनाया H3O प्लस। अब ये H3O प्लस ये कंबाइन करेगा अदर H2O मॉलिक्यूल से तो ये बना सकता है आपका H5O2 प्लस। तो इस तरह से वाटर के अंदर जो आपको मिलता है जनरली वो H प्लस के फॉर्म में मिलता है, H3O प्लस के फॉर्म में मिलता है, इसी तरह H5O2 के फॉर्म में मिलता है H5O2 प्लस। इसी तरह आप लिख सकते हो इसको कि ये इसमें एक और H2O जोड़ दो तो हो जाएगा H7O3 प्लस। तो इस तरह के फॉर्म में मिलते हैं। तो याद रखना कि कभी भी अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ये सभी सही हो सकते हैं, केवल पानी में H प्लस नहीं होता। जब आप वाटर में डालते हो कोई भी एसिड तो वो H प्लस रहता है, वो H प्लस कंबाइन कर लेता है H2O से तो बना लेता है H3O प्लस, क्योंकि स्टेबल नहीं होता
और इनमें इंट्रैक्शन होगा, ओ के पास लोन पेयर होता है, देखो एच टू ओ में ओ के पास लोन पेयर होता है, कैसे कमाइंड करता है बेसिकली, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे एच प्लस है, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है क्योंकि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल है, तो एच टू ओ में देखो ओ के पास लोन पेयर है, तो अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और बना लेगा बॉन्ड, तो इस तरह ये बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये बन जाएगा एच थ्री ओ प्लस, इस तरह से बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्लियर हुआ कि पानी में एच, देखो जनरली हम लोग या तो एच प्लस लिखेंगे या लिखेंगे एच थ्री ओ प्लस लिखेंगे, ठीक है, ऐसे इनको नहीं लिखेंगे हम लोग, तो एच प्लस या एच थ्री प्लस से पूरा चैप्टर आपका आने के क्यूलियम चलेगा। तो अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनको वाटर में डिजोल्व करो तो एच प्लस दें, और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनको वाटर में डिजोल्व करो तो आपको ओ एच माइनस एन दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी कुछ लिमिटेशन है, तो जैसे वाटर होना कंपलसरी है, आप ऐसे सब्सटेंस को चेक कर पाओगे, अगर पास वाटर है तभी चेक कर पाओगे, अगर वाटर नहीं है तो आप चेक नहीं कर पाओगे कि वो आपका एसिड है या नहीं, अकॉर्डिंग टू अरहेनियस थ्योरी। इसमें इसकी एक और लिमिटेशन है कि ऐसे सब्सटेंस जो एच प्लस ना देते हों बट फिर भी एसिड हों तो आप चेक नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए एच प्लस निकलना कंपलसरी है, ये कंपलसरी है एच प्लस निकलना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस बताई हमने। पहला लिमिटेशन है कि सॉल्वेंट जरूरी है H2O होना, बिना सॉल्वेंट के आप चेक नहीं कर सकते कि उस सब्सटेंस को एसिड है बेस, और दूसरी क्या कंडीशन है कि H+ देगा तभी हम बता पाएंगे कि वो एसिड है बेस या H+ या OH- देगा। ठीक है, तो ये थी आपकी अरहेनियस थ्योरी में। इसके बाद इसमें अगला टॉपिक आता है कि एसिडिटी एंड बेसिसिटी का आता है टॉपिक, तो इसको नोट कर लेना इसको, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, इसको मिटा रहे हैं। अब इसके बाद आता है अगला, इसमें टॉपिक आता है एसिडिटी एंड बेसिसिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है और क्वेश्चंस अक्सर आता है कंपटीशन में इसका। जैसे आपका इस हेडिंग है आपका एसिडिटी एंड बेसिसिटी, एंड बेसिसिटी, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि एसिड टाइप से बेसिकली पढ़ते हैं हम, टाइप्स ऑफ एसिड, तो टाइप्स ऑफ एसिड में इसमें एक आता है मोनोप्रोटिक, मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड, या इसी को हम लोग बोलते हैं मोनो बेसिक एसिड, मोनो बेसिक एसिड बोलते हैं, मोनो बेसिक एसिड। नाम से देखो क्लियर है यहाँ पे, मोनो बेसिक, मोनो मीन्स क्या होता है कि एक, मोनो मीन्स सिंगल, कि ऐसे एसिड जिनको आप वाटर में डिजोल्व करो और केवल सिंगल, ओनली सिंगल H+ मिले, तो उसको बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड या मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। इसका एग्जांपल अगर लिखोगे तो जैसे HCl हो गया आपका, HBr हो गया, HI हो गया, CH3COOH हो गया, इस तरह से आपका HCN हो गया। देखो ध्यान से, ये सभी क्या है कि आप इनको वाटर में डिजोल्व करोगे तो केवल एक ही H+ मिलेगा, तो उनको बोलेंगे मोनोप्रोटिक एसिड। अब इसके बाद आता है डाइप्रोटिक, इसके बाद आता है डाइप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, नाम से क्लियर है। इसका एग्जांपल क्या होगा कि ऐसे सब्सटेंस जिनको आप वाटर में डिजोल्व करो और टू एच प्लस सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे आपका H2S4 जब इसको आप डालोगे वाटर में तो आपको दो H+ देगा यहाँ से, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल देख लो, इसका दूसरा एग्जांपल आएगा H3PO3, ये हो गया, ठीक है, ये आपका ध्यान से देखना H2S42 देगा, यहाँ पे 3H है बट 3 नहीं देगा, केवल 2 मॉलिक्यूल्स देगा, यहाँ पे 2H+ देगा आयंस यहाँ पे, इसलिए ये एग्जांपल है। इसको भी अभी इसके बारे में और डिटेल में चलेंगे, H3PO3 के बारे में, ठीक है। इसके बाद आता है ट्राइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक एसिड, ट्राइप्रोटिक एसिड हो गया, या इसको बोलते हैं ट्राइबेसिक एसिड। नाम से क्या क्लियर है कि यहाँ पे 3H+ देगा वाटर में, अगर सब्सटेंस को डालोगे पानी में तो 3H+ देगा। इसका एग्जांपल बताओ, इसका एग्जांपल क्या होगा, देखो ये आपका H3PO4 फास्फोरिक एसिड, ठीक है, फास्फोरिक एसिड है और ये फास्फोरस एसिड है। अब यहाँ पे देखो इसको जब डालोगे वाटर में तो आपको मिलेगा 3H+, इनके स्ट्रक्चर्स पता चलता है कि 3H+ मिलता है कि 3H+ मिलता है या 2 मिलता है, इनका स्ट्रक्चर बनाने पर ही पता चलता है, अभी बनाएंगे स्ट्रक्चर थोड़ी देर में।
और इस जैसे यहाँ पे मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, इसी तरह होता है मोनो एसिडिक बेस, इसी तरह होता है मोनो एसिडिक बेस। इसका मतलब कि ऐसे बेस जिनको आप वाटर में डिजोल्व करो तो सिंगल OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। इसका एग्जांपल आएगा NaOH का। जब इसको डालोगे आप वाटर में तो केवल जिसे इसको जब डिसोसिएट होगा तो ये आपका होगा Na प्लस और OH माइनस में, तो केवल सिंगल OH माइनस मिला, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आता है डाई एसिडिक, डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस। इसमें क्या होता है, देखो इसमें डाई का मतलब कि 2 OH मिलेगा। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, CaOH होल ट्वाइस। जब ये डिसोसिएट होगा तो आपको ये मिलेगा Ca+2+2 OH- मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें ट्राई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस, तो यहां से देखो ट्राई मीन्स की 3 OH- मिलेगा वाटर में जब आप डिजोल्व करोगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा AlOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पे OH होल थ्राइस लगा है, 3 OH देगा वाटर में, CH होल ट्वाइस, ये 2 OH- देगा वाटर में, NaOH केवल सिंगल OH- देगा, इसलिए इसको बोलते हैं मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस। तो ये छोटी सी थ्योरी थी बट काफी इंपॉर्टेंट थी। तो इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे, इसको नोट कर लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया, चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अब अगला हमारी थ्योरी है वो है ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी, ठीक है। जब भी लेक्चर को देख रहे हो तो आप लोग नोट्स जरूर बना लेना, नोट्स बना लोगे तो हमेशा काम आएगा। अब इसके बाद आएगा ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी। देखो इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने बेसिकली बोला था एसिड के बारे में, तो जो बोला था अरेनियस ने उन्होंने भी बोला था। इन्होंने क्या था कि प्रोटॉन डोनर एसिड होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होते हैं। फिर सुन लो, प्रोटॉन यानी कि क्या होता है, प्रोटॉन H+, H+ डोनर क्या होंगे, एसिड, H+ एक्सेप्टर क्या होंगे, बेस। तो जैसे इसका मगर यहाँ पे लिखे हैं एसिड क्या होगा, तो एसिड होगा आपका प्रोटॉन डोनर, ये हो जाएगा प्रोटॉन डोनर, ये होंगे एसिड, और बेस क्या होंगे, ये होंगे प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो यहाँ से देखो ध्यान से, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मिलेगा कि आरहेनियस ने भी एसिड के बारे में सेम कहा था। उन्होंने भी कहा था कि ऐसे सब्सटेंस जिनको वाटर में डिजोल्व करो तो H+ मिले, और इन्होंने भी क्या कहा था कि प्रोटॉन डोनर होंगे एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा आपका बेस। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में HCl की बात करें तो ध्यान से देखो, HCl H+ दे सकता है, HCl डिसोसिएट होगा यहाँ से, ये हो जाएगा H+ और प्लस Cl- में। तो देखो यहाँ पे H+ निकला, यानी कि प्रोटॉन क्या किया, डोनेट किया, तो ये हो गया एसिड, और बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। जैसे लास्ट अगर हम बात करते हैं अमोनिया के बारे में, अगर ये NH3 है, अगर हम बात करें आरहेनियस कॉन्सेप्ट से, तो इसके पास OH नहीं है, तो आरहेनियस ने अमोनिया के बारे में कुछ बताया था कि ये बेस है, ठीक है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए था OH, इसके पास OH नहीं है तो इसके बारे में नहीं बता पाए थे। तो ये ब्रॉन्स्टेड लाउरी से कंफर्म हुआ कि देखो अमोनिया ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। कैसे, देखो ये NH3 है, इसके पास एक लोन पेयर है, अगर H+ इसके पास आएगा तो अपना लोन पेयर इसको देगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास एक लोन पेयर है तो इसको देगा, बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये बना लेगा NH4+, ये ठीक है। तो मींस कि अमोनिया ने H+ को एक्सेप्ट कर लिया, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होंगे, बेस। तो ये थ्योरी है, ठीक है। तो इसमें सबसे जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं आपके कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड बेस पेयर आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो अब हम लोग चलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। क्वेश्चन पे आ रहे हैं अभी, जैसे थ्योरी खत्म करेंगे 4-5 अच्छे क्वेश्चन लेंगे हम लोग। अब आएगा कॉन्जुगेट
एसिड बेस पेयर, क्या होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ऐसे सब्सटेंस जिनमें H प्लस का डिफरेंस हो, ठीक है। H प्लस का डिफरेंस मतलब ध्यान से देखना, पहले इसके लिखते हैं कि ये होता क्या है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये होता है दी सब्सटेंसेस दैट डिफर इन दैट डिफर फ्रॉम ईच अदर दैट डिफर फ्रॉम ईच अदर बाई एच प्लस, ठीक है। उनमें डिफरेंस किसका होता है, एच प्लस का होता है। इसका सबसे बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका हमने लिया एच सी एल, तो जब एच सी एल इससे अगर हम एच प्लस निकाल दें, ध्यान से देखो, अगर हम ये आपका एसिड है, ये एसिड है, तो ये कहलाएगा आपका अभी ब्रॉन्सड एसिड है। अभी हम इससे एच प्लस निकाल लें तो क्या बचेगा, अगर इससे एच प्लस रिमूव कर लिया तो बचा क्या, सी एल माइनस। तो सी एल माइनस क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ये एसिड है, तो ये हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट बेस, तो इसको बोलेंगे ब्रॉन्सटेड बेस, ब्रॉन्सटेड बेस कहलाएगा। तो और इनको क्या बोलेंगे, इन दोनों को इनको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। इसी एसिड से केवल हमने क्या किया, एच प्लस निकाल लिया, तो जो बचा दैट इज ब्रॉन्सटेड बेस, तो इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, इनको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। चलो एक और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे अमोनिया का लिया था हमने NH3 का, ठीक है। इसको अगर हम H प्लस, देखिए ये एसिड था, इससे H प्लस निकाले बेस बना, हम ले रहे हैं बेस, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसको H प्लस दे रहे हो, अगर आप H प्लस इसमें ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा NH4 प्लस, ये बेस है, तो ये क्या बनेगा आपका ब्रॉन्सटेड एसिड, इसको बोलेंगे ब्रॉन्सटेड एसिड, जस्ट एक नाम है ब्रॉन्सटेड, अपना नाम लगा दिया इन्होंने, तो ये बेस है तो वो क्या बना एसिड, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे ब्रॉन्सटेड पेयर, ठीक है, ब्रॉन्सटेड एसिड बेस पेयर, ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम समझते हैं, एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसके थ्रू समझते हैं, ठीक है। बताना होगा आपको कि कौन कॉन्जुगेट एसिड है, कौन कॉन्जुगेट बेस है, एसिड कौन है, बेस कौन है, ठीक है, ये नोट कर लो। इसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है आपका CH3COOH प्लस H2O। ध्यान से देखना, यहाँ पे ये एसिटिक एसिड है, इसको वाटर मिलाया गया, तो ये एसिड है, ध्यान से देखो, तो H प्लस देगा, ये यहाँ से H प्लस जाएगा इसके पास में, इसके पास लोन पेयर है, ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3COO- क्योंकि यहाँ से H प्लस निकल गया, यहाँ से H प्लस निकला, क्या बचा, ये CH3COO- बचा और H2O के पास एक H प्लस आ गया, तो ये हो जाएगा H3O+, ठीक है। अब क्या करो, आपको बताना है कौन कौन से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं। कर लिया क्वेश्चन, देखो यहाँ पे नोट कर लिया करो, ये एसिड है, अब एसिड से H प्लस निकलता है, जो भी बचता है, ये एसिड था, ठीक है, इससे H प्लस निकला, तो ये बन जाएगा आपका कॉन्जुगेट बेस, ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस, ये आपका एसिड है, यहाँ पे H2O वर्क कर रहा है एज अ बेस, बेस है, बेस H प्लस लिया, H प्लस लेने के बाद क्या बना लिया H3O+, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट एसिड, ये हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों क्या कहलाएंगे आपस में, ये कहलाएंगे कॉन्जुगेट पेयर्स, एक ये हो गया कॉन्जुगेट पेयर्स, एक ये हो गया आपका कॉन्जुगेट पेयर्स। तो ध्यान से देखो, तो एसिड बेस की रिएक्शन में दो कॉन्जुगेट पेयर बनते हैं, एक ही हो गया कॉन्जुगेट पेयर्स, एक ही हो गया कॉन्जुगेट पेयर्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाए, चलिए एक क्वेश्चन अब देखते हैं, ध्यान से देखना इसको और सही करना, क्योंकि क्वेश्चन हम बढ़िया ले रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है, क्वेश्चन क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, तो हम आपको दे रहे हैं ऑप्शन, दे रहे हैं पेयर्स दे रहे हैं, आपको बताना है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है कि नहीं। तो जो पहला पेयर है वो आपका है H3PO4, H3PO4 एंड ये H2PO4-, H3PO4 एंड H2PO4-। बी है आपका HI एंड H+। सी है आपका NH2- एंड NH2 एंड NH3। डी है आपका HNO2 एंड NH4+। ई आपका CO3-2 एंड CN-। एफ है आपका HPO4-2 एंड H2PO4-। ये क्वेश्चन नोट कर लो। इन सब में आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, ठीक है, नोट कर लिया। सॉल्व करें आप एक बार, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना और फिर बताना कि कौन कौन से इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 6 में से कौन कौन से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं और कौन से नहीं है। तो बताया था हमने इनिशियली में कि एसिड बेस पेयर्स वो होते हैं जिनमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस केवल H प्लस का होता है, ठीक है, H प्लस का ही डिफरेंस होता है। अब चेक कर लो, सभी में चेक कर लो H प्लस का डिफरेंस किसमें किसमें है। देखो ध्यान से, यहां से इन दोनों में देखो, अगर यहां से H प्लस निकाल लिया जाए क्या बचेगा, यहां बचेगा H2 और यहां आएगा माइनस, ठीक है, ये सही है। इन दोनों में देखो, इन दोनों में केवल H प्लस का ही डिफरेंस है, यानी कि अगर आप इसमें H प्लस दे दोगे तो ये बन जाएगा आप, या ये कहो कि इससे आप H प्लस निकाल लोगे तो आपका बन जाएगा ये। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये होंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अगर ये एसिड होगा तो होगा ब्रोंस्टेड बेस। क्लियर हुआ ये पहला क्वेश्चन। आप सेकेंड पे आओ, यहाँ पे देखो इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए एच प्लस का, ये एच आई है, इसमें देखो यहां से ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि देखो यहां से एच प्लस निकालोगे बचेगा आई माइनस, यहां से अगर एच प्लस निकालोगे तो बचेगा आई माइनस, या अगर आप इसमें एच प्लस देते तो होना चाहिए था एच टू, तो ये गलत है, बी आपका गलत है, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है, एच प्लस का। अब डी में आओ, अब ऑप्शन डी में देखो क्या होगा कि इसमें, अच्छा सी है, सी में देखो NH2 देखो इसमें भी H+ का डिफरेंस है, अगर आप इसमें H+ ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, अमोनिया, या अमोनिया से H+ निकालोगे तो क्या बन जाएगा, NH2- बन जाएगा, ये भी है आपका, ये भी क्या आपका एसिड बेस पेयर है। डी पे आओ, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो O2 है, यहाँ पे O नहीं है, केवल डिफरेंस होगा H+ का, याद रखो, तो ये भी नहीं है, यहाँ पे देखो ये भी नहीं होगा, इसमें देखो HPO4-2 H2PO4-, अगर आप इसमें H ऐड करते हो तो H+ ऐड करोगे तो ये बन जाएगा, तो यानी कि ये भी क्या है आपका एसिड बेस पेयर है, ठीक है, यहां से यहां तक क्लियर है। चलिए आप चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट कर लो ध्यान से, चलो बात है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई टू कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुना करो और उसको नोट कर लिया करो, एक प्रॉपर नोट्स बना लेना, इसमें क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे मिलने वाले हैं, तो नोट्स बनाए रहोगे तो आगे चल के उसको रिवाइज कर लोगे तो बेनिफिट होगा, जब एग्जाम देने जाओगे जेई का या नीट का, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर HSO4- एक्वस प्लस PO4-3 एक्वस SO4-2 प्लस HPO4-2, ठीक है, ये आपका बताना है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ध्यान से देखो, यहाँ पे
यहां से क्या हुआ, देखो यहां से H प्लस निकला है, यहां से H प्लस निकल के क्या बनाया है, SO4 माइनस टू, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एसिड होगा, और SO4 माइनस टू क्या होगा, ये होगा ब्रॉन्स्टेड बेस, ये हो गया ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये दोनों कहलाएंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, क्लियर है। अब यहां पे देखो, इसके पास यहां से ये H प्लस एक्सेप्ट किया, यहां से H प्लस निकला है, ये PO4 माइनस थ्री एक्सेप्ट किया है, तो ये बन गया आपका HPO4 माइनस टू। ब्रॉन्स्टेड लॉ रिकॉर्डिंग क्या होता है, बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करें, तो ये क्या कहलाएगा बेस, जब एसिड हो गया तो ये बेस हो गई, तो ये आपका होगा बेस, ये क्या आपका कहलाएगा ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड, ठीक है, क्लियर है। तो हमको बताना था कि कौन कौन से एसिड बेस पेयर हैं, तो HSO4 SO4 माइनस टू ये पेयर हो गया एक, एक PO4 माइनस थ्री HPO4 माइनस टू दूसरा पेयर है, तो ये दो पेयर मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, नोट कर लो, नोट कर लिया, चल अगले क्वेश्चन पे। ठीक, अब आते हैं अगली थ्योरी है लुईस थ्योरी, इसको मिटा रहे हैं। लुईस थ्योरी, देखो इनके अकॉर्डिंग क्या था, एसिड ऐसे सब्सटेंस को उन्होंने एसिड बोला जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करें, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर बेस, ठीक है। तो इन्होंने एसिड बोला कि एसिड वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करें, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। और बेस क्या, इन्होंने बोला कि ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो ये हो गए बेस। तो अब इसका एग्जांपल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट वो करेंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो बहुत सिंपल एग्जांपल इसे इसका लिया, बी एफ थ्री ये लिया, तो बी एफ थ्री में ध्यान से देखो, इसके पास ये है आपका बोरॉन, इसके पास इसके आउटर में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये 3F बॉन्ड बना हुआ है, तो ध्यान से देखो हर एक एटम चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, तो इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल है, तो अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, और इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, बोरॉन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो ये आपका एज अ लुईस एसिड की तरह काम करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ये एक्सेप्ट कर सकता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की, तो अमोनिया में देखो यहाँ पे, यानी कि इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये क्या कहलाएगा बेस, लोन पेयर डोनर आर बेस और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड, ठीक है। तो इसके और एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल इसका काफी इंपॉर्टेंट है, लुईस एसिड में इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एसिड में हम लोग देख रहे हैं इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में आता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल, इसमें देखो कौन कौन सा है, एक तो हमने लिखा था कि बी एफ थ्री, बी एक्स थ्री है, इसको सिंपल लिख दो बी एक्स थ्री, एक्स मतलब क्या है कि क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, ये हो गया बी एक्स थ्री हो गया। इसके बाद आएगा ए एल सी एल थ्री, जनरली ही आएगा ए एल सी एल थ्री हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका एच थ्री पी ओ थ्री हो गया, और हो गया आपका बी ई सी एल टू हो गया, तो ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, सबका क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल है। उसके बाद आएगा के टाइन, ध्यान से देखो के टाइन आएगा, ठीक है। अब के टाइन में देखो, इसमें आपका एच प्लस हो गया, आपका हो गया ए जी प्लस हो गया, ठीक है, एफ ई प्लस हो गया, ऐसे करके एफ ई प्लस टू हो गया, ठीक है, सी यू प्लस टू हो गया, ये सब क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे ये आपके कहलाएंगे लुईस एसिड। तीसरा एग्जाम्पल है मॉलिक्यूल विथ वैकेंट डी ऑर्बिटल, तीसरा एग्जाम्पल आएगा इस कैटेगरी में, मॉलिक्यूल विथ वैकेंट डी ऑर्बिटल,
इसमें जैसे एस आई सी एल फोर सिलिकॉन है, इसमें 3D आएगा तो इसका वैकेंट ऑर्बिटल है। इसी तरह SO2 हो गया, ये हो गया एक्सेट्रा। तो ये आपके आ गए मॉलिक्यूल विथ वैकेंट डी ऑर्बिटल। बेस का अगर हम एग्जांपल देखें, एसिड के एग्जांपल थे, अगर यहाँ पे हम लिखें एग्जांपल बेस के, तो ध्यान से देख लो बेस के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। जिनके पास बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेट करें, तो यहाँ पे आपका NH3 हो गया आपका, आप एल्कोहल ले सकते हो CH3OH हो गया, ठीक है OH- हो गया, ये हो गया, इस तरह के बहुत से मॉलिक्यूल हैं, CN- हो गया CN- ETCS लिख दो। तो ये सारे क्या हो गए बेस, सबके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे सबके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, तो यहाँ पे आप H2O भी लिख सकते हो, इसमें आप H2O भी लिख सकते हो क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ये एग्जांपल होंगे आपके लुइस एसिड के, ये एग्जांपल होंगे लुइस बेस के। ये एग्जांपल याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में AlCl3 का आपका FeCl3 SnCl4 इनका यूज होगा आगे चल के काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। पी ब्लॉक में BeCl2 का पढ़ोगे काफ़ी एप्लीकेशन, इसके बारे में पढ़ोगे, अमोनिया हो गया, सब याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके बाद एग्जाम्पल, इसलिए हमने करवाया। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन इसका लेते हैं। क्वेश्चन है अमोनियम आयनिज, क्वेश्चन है अमोनियम आयन इज, ऑप्शन फर्स्ट है लुइस एसिड, ऑप्शन सेकंड है लुइस बेस, ऑप्शन थर्ड है ब्रोंस्टेड एसिड, ऑप्शन फोर्थ है ब्रोंस्टेड बेस, ठीक है। तो बताना है आपको, वीडियो पॉज करके एक बार ध्यान से देख लो फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो NH4+ के पास, पहले बताओ लुइस एसिड क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को वो एक्सेप्ट करें, ठीक है। अब देखो इसके पास क्या ये एक्सेप्ट कर सकता है, इसके पास अब क्या कि देखो अवेलेबल, अब इसके पास ऑर्बिटल नहीं है। NH4+ के पास देखो अमोनिया होता है, इसके पास एक बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी था, एक और लोन पेयर के थ्रू लोन पेयर देके बनाया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब ये बॉन्ड नहीं बना सकता, यानी कि अब ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन पेयर, तो लुइस एसिड नहीं होगा यहाँ पे। अब चेक करो लुइस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, चेक करो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन पेयर ही नहीं, डोनेट कहाँ करेगा। ध्यान से देखो, एक ही अमोनिया के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, उसने H+ को दे दिया, बनाया NH4+, अब इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो ये लुइस बेस भी नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट में थर्ड में, अब इसके बाद ब्रोंस्टेड एसिड क्या होते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड प्रोटॉन डोनर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये NH4+ ये प्रोटॉन दे सकता है, जब प्रोटॉन देगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा NH3+ बनाएगा H+, तो देखो प्रोटॉन दे दिया तो ये ब्रोंस्टेड एसिड है। चेक करो क्या ब्रोंस्टेड बेस है, मीन्स की प्रोटॉन एक्सेप्टर, क्या ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, देखो ध्यान से, अब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो ये कोई भी प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो ये भी गलत होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, चलने अगले क्वेश्चन पे, ठीक। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, देखो अब इसका कुछ कंक्लूजन लिख रहे हैं, कंक्लूजन जो हमने अभी तक पढ़ा आरहेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी और लुइस थ्योरी, तो इसका आप कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो पहला तो ये तीनों का समराइज करके लिख रहे हैं कि आपका ब्रोंस्टेड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है has difference of H plus, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अगला सेकंड है, देखो अगर HCl, सपोज HCl आपका ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर इससे H+ निकल जाएगा तो क्या बचेगा, Cl- तो ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस, ये हो जाएगा
कॉन्जुगेट बेस। तो एक पॉइंट याद रखना कि अगर आपका एसिड स्ट्रांग है, अगर ये स्ट्रांग एसिड है तो जो उसका पेयर बनेगा वो वीक बनेगा, तो ये बनेगा आपका वीक बेस। ठीक है, तो स्ट्रांग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस। अगर आपका कोई बेस स्ट्रांग है तो जो उसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो क्या होगा, वीक होगा। तो यही पॉइंट है कि स्ट्रांग एसिड हैज, यहां पे लिख सकते हो कि स्ट्रांग एसिड हैज, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट, वीक कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली आप लिख सकते हो एंड स्ट्रॉन्ग बेस हैज, एंड स्ट्रॉन्ग बेस हैज वीक कॉन्जुगेट, हैज वीक कॉन्जुगेट एसिड। तो अगर आपका जैसे वीक एसिड है कोई, अगर वीक एसिड सपोज हमने ले लिया CH3COOH, ये आपका वीक एसिड है, तो वीक एसिड का जब ये इसका जब डिस्ट्रेट होगा तो ये होगा आपका CH3COO- प्लस एच प्लस, यहाँ से एच प्लस निकल गया, तो ये आपका एसिड है और ये एसिड आपका वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो स्ट्रांग होगा, ये होगा आपका स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेस। तो ये आपका दोनों तरह सही है, अगर स्ट्रांग एसिड है तो बनेगा वीक कॉन्जुगेट बेस, अगर आपका वीक एसिड है तो बनेगा स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था। और थर्ड पॉइंट क्या है, जैसे ध्यान से देखो, अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, जैसे आपका HCl है, ध्यान से देखना HCl ये डिसोसिएट होगा आपका H प्लस और प्लस Cl माइनस में, तो सेम टाइम क्या होगा कि आपका यहाँ पे कुछ H प्लस कंबाइन करेगा वापस Cl माइनस है तो क्या बनाएगा HCl, तो ये भी बनाएगा। अब ध्यान से देखो कि अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जिनको डिसोसिएट करो वाटर में कंप्लीटली H प्लस में आया जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली, तो ये रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, मैक्सिमम डायरेक्शन क्या होगी आपका, इस डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड एच प्लस में टूटेगा और ये एच प्लस वापस कमाई नहीं हो पाता, इसलिए इसका रिएक्शन रिएक्शन क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो लिख सकते हो कि रिएक्शन रिएक्शन विल ऑलवेज प्रोसीड, रिएक्शन विल ऑलवेज प्रोसीड, रिएक्शन विल ऑलवेज प्रोसीड इन अ डायरेक्शन, इन अ डायरेक्शन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीकर एसिड, टू वीकर एसिड। ठीक है, और ये भी बोल सकते हो कि फ्रॉम स्ट्रॉन्गर बेस टू वीकर बेस, और फ्रॉम स्ट्रॉन्गर बेस, फ्रॉम स्ट्रॉन्गर बेस टू वीकर बेस। इसके बेस पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं ये पॉइंट का, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जैसे आप डालोगे इक्वल सॉल्यूशन में वो तुरंत ही ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयनाइज होता है, तो वो रिएक्शन वापस नहीं आ पाती है, तो इसलिए प्रोसीड करेगी हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नोट करना। अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन विद द फॉलोइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोसेस। ठीक है, इन विच डायरेक्शन विद द फॉलोइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोसीड, लिख सकते हो प्रोसीड। ठीक है, इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन फर्स्ट है ये आपकी है H2SO4, H2SO4 प्लस NH3, इससे बन रहा आपका NH4 प्लस, ये बनेगा NH4 प्लस, ये बनेगा HSO4 माइनस। ठीक है, सेकेंड पे जाओ, सेकेंड है HCO3, HCO3 माइनस प्लस SO4 माइनस टू, इससे बन रहा है आपका HSO4 माइनस प्लस
CO3-2। तो ध्यान से देखो इसके ऑप्शन ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन ए है ये फर्स्ट फॉरवर्ड, फर्स्ट फॉरवर्ड एंड सेकंड बैकवर्ड, एंड सेकंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ऑप्शन बी लिख लो, ऑप्शन बी है फर्स्ट बैकवर्ड एंड सेकंड फॉरवर्ड, एंड सेकंड फॉरवर्ड। ऑप्शन सी लिख लो, ऑप्शन सी है बोथ फॉरवर्ड, बोथ फॉरवर्ड। ऑप्शन डी है बोथ बैकवर्ड, बोथ बैकवर्ड।